जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर मुझे ये बात कमेंट्स में पूछी जाती है कि पंडित जी, बहुत से लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, हमें धोखा दिया है, हमें आर्थिक रूप से तंग किया है, हमारे पैसे डुबो दिए हैं और हमें कई सारे तरीके से परेशान किया है। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति ने, कभी भी किसी ने आपका बुरा चाहा, किसी भी वे में चाहा, और उस व्यक्ति से आप बचना चाहते हैं, मतलब बचने से सीधा सा मतलब है कि उसे ईश्वर उसका परिणाम दे, तो कौन सा ऐसा मंत्र है या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम उसे फल जरूर मिल जाए। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि कोई से भी द्वेष भाव में ये चीज़ें ना करें। अगर किसी व्यक्ति ने अनैतिक काम किया है, किसी व्यक्ति ने आपको छल किया है, आपके साथ कपट किया है, आप जैसे सच्चे आदमी के साथ धोखा दिया है, तब ये आप मंत्र बोले। इन मंत्रों से आपको बहुत फायदा होगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब बातों को मैं बताने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव वे में है, इसे कहीं भी नेगेटिव या नकारात्मक वे में ना ले। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति ने चाहे जाने अनजाने हमारे साथ कुछ भी अहित किया है, तो उसके परिणाम के लिए सबसे सरल है। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे जरूर लिखें। अगर अपने कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव वे में है। करना आपको यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया है या बुरा करना चाहता है, तो रोज़ सुबह नहा धोकर बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें। बजरंग बाण का पाठ करने वाले लोगों के शत्रुओं का नाश होता है। बजरंग बाण का पाठ करने वाले लोगों का, अगर कोई अहित चाहता है, क्योंकि 10 मोर्चे तो हमें पता है जहाँ हम लड़ रहे हैं, लेकिन 90 मोर्चे ऐसे पता है जहाँ नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ वो एक रक्षा कवच होता है, एक सुरक्षा कवच होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। इसलिए आप सुबह शाम अगर 2 वक्त पढ़ पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाएँ तो कान में आप एयरफोन लगाकर सुन भी सकते हैं। जितने करीब आप बजरंग बाण के रहेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन सावधानी इसमें एक बात याद रखना, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कि ये पॉजिटिव वे में है, इसका कोई मिसयूज या नेगेटिव वे में मत जान दें, नहीं तो खुद का नुकसान हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने अगर आपका बुरा किया है और अगर आप इसका स्वतः ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, आपने अध्ययन पाठ करना शुरू कर दिया, तो परिणाम स्वतः ही सामने वाले को आपको देखने को मिल जाएगा। आप कुछ करिए मत, कुछ भी मत करिए, आप केवल और केवल अपनी बजरंग बाण का पाठ करिएगा। ये बहुत से लोगों ने किया है, आप भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।